टुडे आई विल टीच यू व्हाट कम्स बिफोर। व्हाट कम्स आफ्टर मैंने आपको बता दिया था, आज आप सीखेंगे व्हाट कम्स बिफोर। बिफोर मींस होता है पहले। ये आपके लेटर्स दिए हुए हैं, जो लेटर पहले है जिस लेटर से वो आपका बिफोर होगा। सो लेट अस स्टार्ट। क्या दिया? बी फॉर बॉल। बी फॉर बॉल से पहले क्या आता है? एबीसीडी आपको सभी को लर्न है ना, ए बी। तो बी बाद में आएगा, तो बी से पहले क्या आएगा? ए फॉर एप्पल। आप यहाँ ए लिख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है ये डी फॉर। डी फॉर क्या होता है? डी फॉर डॉग। डी फॉर डॉग से पहले क्या आएगा? ए बी सी। सी के बाद डी आएगा, तो बी से पहले क्या आएगा? सी फॉर कैट। आप यहाँ सी लिख देंगे। इसी तरह नेक्स्ट ए बी सी डी। डी के बाद ये एफ दिया हुआ है, एफ से पहले क्या आएगा? ए बी सी डी। डी के बाद आता है ई, तो आप यहाँ ई लिख देंगे। एफ से पहले क्या आएगा? ये ई फॉर एलिफेंट, ठीक है। ई एफ, फिर ये एच दिया हुआ, ई एफ और ये एच दिया। एच से पहले क्या आएगा? एच से पहले आएगा जी, तो आप यहाँ जी फॉर ग्रेप्स लिख देंगे, ठीक है। ए बी सी डी ई एफ जी एच, तो एच से पहले जी आया, आपने जी लिख दिया। जे फॉर जग दिया हुआ, जे फॉर जग से पहले क्या आएगा? आई फॉर आइसक्रीम। आई फॉर आइसक्रीम आप लिख देंगे, ठीक है। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग, ई फॉर एग, एफ फॉर फिश, जी फॉर ग्रेप, एच फॉर हैट, आई फॉर आइसक्रीम, जे फॉर जग। ये आपके बिफोर लेटर है। बी से पहले ए आता है, बी से पहले सी, एफ से पहले ई, एच से पहले जी और जे से पहले आई। ओके, राइट इट ऑन योर इंग्लिश नोटबुक विद द हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स। थैंक यू।